हमारे यहाँ रस्म है कि शादी के बाद लड़की का नाम बदलते हैं। ये रस्म तो करनी ही थी, और पंडित जी भी कह रहे हैं कि नाम बदलना घर की सुख शांति के लिए अच्छा रहेगा। काकी माँ, माफ करिएगा, पर हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। तुम्हारा नाम बदलेगा पूर्ण विराम। सूर्या। यस ताई अम्मा, आप चाहता है तो नाम बदलेगा। पंडित जी, नाम किस अक्षर से रखना? ई के अलावा सभी अक्षर शुभ है। तो यार ठीक है। हाँ, यह अक्षर भी अच्छा रहेगा नाम रखने के लिए। केका, तुम्हें इसको यमली बुलाता है, या से यमली। हो गया। बहुत अच्छे नाना, तो इसकी बात में आ ही गया ना। इसका नाम बदलने से तेरी जिंदगी में सुख शांति आनी है। ये सब मैं तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ नाना। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है ताई अम्मा, और वो मेरे लिए काफी है। और रहा बात मेरा सेफ्टी का, वही नेम चेंजिंग सेरेमनी पे डिपेंड नहीं करता। कई साल पहले मैंने भी यही सोचा था, जब ऐसी ही एक जिद्दी नए ख्यालों की लड़की ने परंपराओं को बदलने की बात की थी। तब याद है ना क्या हुआ था? इंदिरा आंटी के बेटे रमन अन्ना ने उर्वशी नाम के एक लड़की से लव मैरिज की थी। वो पहले से ही जॉब करती थी, उसे शादी के बाद भी जॉब करनी थी, पर इस घर का रूल है कि इस घर की बहू बाहर जॉब नहीं करती है। ये रूल इंदिरा आंटी ने नहीं, उनके हस्बैंड ने बनाया था। सूर्या के ताया जी को नई बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर ताया जी और ताई जी में बहुत झगड़े होने लगे। इंदिरा आंटी अपने बेटे के प्यार में पिघल गई और वो जॉब करने लगी, और जॉब के कुछ दिनों बाद ही उसका अफेयर उसके ही ऑफिस में किसी और के साथ हो गया। और इस अफेयर के बारे में उसी ने रमन अन्ना को बताया, और रमन अन्ना से ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने खुद को गोली मार ली। इंदिरा आंटी तुम्हें देखती है तो उन्हें उर्वशी की याद आती है, और उन्हें हर पल ये डर लगता है जो रमन अन्ना ने किया वो कहीं सूर्या भी ना कर ले। तुमने घर वालों को गुस्सा नहीं दिलाया, तुमने बस ये बात याद दिलाकर उनका दिल दुखाया है। बस इसीलिए सूर्या नहीं चाहता था कि तुम ये सब बात बोलो। अब समझ में आया कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।